हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक और जो है पोंचू लेकर आई हूँ। एक फ़ोटो भेजी थी किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे कि इस तरीके का पोंचू जो है, बताइए आप। देखिएगा, जस्ट दो अलग अलग पट्टियाँ बनती है और उसे उसके बाद हम इस तरीके से एक थोड़ा सा अलग तरीके से जोड़ देते हैं, तो आपके सामने जो है ये पोंचू बन के तैयार हो जाता है। अब ये जो मैंने पोंचू बताया है, ये कम से कम जो है 12 साल से ऊपर की लड़की को आएगा, 12 साल से लेकर 14-15 साल इस तरीके के बच्चे को आएगा। आपने जो इससे थोड़े छोटे बच्चे को अगर पहनाना है तो इससे थोड़े से कम फंदे रखिएगा। नॉर्मल वूल ली है मैंने और 10 नंबर की सिलाई से इसे बनाया है। बाकी आगे डिस्क्रिप्शन मैंने अपना सारा अपने उसमें दिया है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरीके से इसे बनाओगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। चलिए, अब आपको बताने जा रही हूँ बहुत ईजीएस्ट वे में पहुँचूँ। किसी ने फ़ोटो भेजी थी उसकी, किस तरीके से बनेगा। अब आप ये देखिए, आपने बहुत ईजीएस्ट वे में बनाना है तो दो पट्टियाँ इस तरीके से बनानी है, दो पट्टियाँ बनानी है, सेम बनेगी। अब यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन डाला है वो मैंने ब्रेड का डिज़ाइन, यानी कि चुटिया जिसे बोलते हैं, ब्रेड का डिज़ाइन डाला है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने बताया हुआ है कि ब्रेड केबल किस तरीके से बनती है। अब इसे हम बनाएंगे कैसे, देखिए दो जो पट्टियाँ हैं, दो लंबी पट्टियाँ बनेंगी इसकी और उसको बाद में हम किस तरीके से जोड़ेंगे। अब ये पट्टी बताती हूँ आपको कि कैसे बनेगी। अब ये देखिए, ये 80 फंदे मैंने डाले हैं और एक लाइन उल्टी की है, 80 स्टिचेस है, 80 फंदे डाले हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा आपको डिवीजन बता देती हूँ, बाकी आप इसमें डिज़ाइन कोई भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरीके से मैंने जो है डिवीजन किया है, बाकी ये जो डिज़ाइन है ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। अब देखिए, यहाँ पे मैं 18 फंदे उल्टे करूँगी। ये लिया पहला उतारा, अब 17 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। तो ये हमारे पास 18 फंदे हो गए। अब ये जो केबल है 12 फंदों की केबल है, धागा आगे करके 12 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये हमारे, ये जो केबल आपको दिख रहा है ये 12 फंदे। अब सेंटर में मैंने 20 फंदे उल्टे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। देखिए, ये 20 फंदे आपके सेंटर के जो उल्टे हैं वो आ गए। फिर 12 फंदे, अगेन ये जो मैंने केबल डाली है, 12 फंदों की केबल है, सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये जो हमारे पास है, ये 18 फंदे हमारे, ये वाले जो उल्टे हैं वो बनेंगे इस तरीके से, धागा आगे करके 18 फंदे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये लास्ट का फंदा, देखिए 18। इसी तरीके से आपने करना है, उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी, उसमें कुछ नहीं करना है। सीधी लाइन में हमने ये फंदे उल्टे रखे हैं और ये केबल डाली है, बाकी आप डिज़ाइन अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं। अब देखिए, उल्टी लाइन इस तरीके से उल्टी करेंगे, ऐसे सारी लाइन इसी तरीके से करेंगे। अब आपने इसे इसी तरीके से दो पार्ट्स, यानी कि दो पट्टियां आपने ऐसे ही लंबी बनाते हुए जानी है। तो पहले चलिए इसे पूरा कर लेते हैं, हम लंबे लंबे दो पट्टियां बना लेंगे, फिर आपको बताती हूँ कि हम इन्हें जोड़ेंगे किस तरीके से पोंचू बनाने के लिए।
अब ये देखिएगा, ये मैंने कम से कम 30 इंच लंबी जो है, इस तरीके से आप देखेंगे 30 इंच लंबी, 30 इंचेस लंबी ऐसे बनाई है। अब इसे हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। सेम दो जो पट्टियाँ मैंने बोली थी सेम बनाई है, इसे ऊपर हम अब हम जो है एक एक करके बंद कर देंगे। इस तरीके से ये बनाया आपने ऐसे और इसे उतार दिया। अब सारे फंदे हम इस तरीके से एक एक करके बंद करेंगे। अब देखिए ये जो एक पट्टी है, सबसे पहले आप कैसे करेंगे मैं बता दूं आपको। ये एक पट्टी है यहाँ पे जो हमने बंद किया, तो मैंने धागा छोड़ दिया और उसी में मैंने जो है इस तरीके से सुई डाली है। अब बंद कैसे करना है, ये जो पहली पट्टी है जिसको हमने किया, और ये दूसरी पट्टी का जहाँ हमने फंदे डाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जहाँ हमने बंद किया इसका ये वाला साइड लेंगे, और जहाँ हमने पट्टी जो दूसरी पट्टी है जो स्टार्ट की है वो वाला पार्ट लेंगे। इस तरीके से देखिए ऐसे, ये ऐसे बंद होगा। तो आपने ये लेना है जहाँ पर आपने अपने फंदे जो है बंद कर लिए इस तरीके से। अब सिलिएगा अपने अपने हिसाब से, और साथ में जहाँ हमने दूसरी पट्टी जो हमने शुरू की थी, जो हमने फंदे डाले थे, वो पार्ट इस तरीके से ये लिया। अगेन यहाँ डालूंगी थोड़ा सा, उसे अच्छे से जो है मैं बंद करूंगी। ये देखिए इस तरीके से पहले आपने इसका स्टार्टिंग पॉइंट बंद करना है ऐसे। आप ध्यान से दोबारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है इसका बंद करना। जो हमने जहाँ बंद की एक पट्टी, उसके ये सीध वाला पोर्शन जहाँ हमने 30 इंचेस यानी कि लेंथ वाला पोर्शन इसका, और दूसरी पट्टी का विड्थ वाला पोर्शन लेना है, उसका हमें लेंथ नहीं लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक पट्टी का लेंथ वाइज ऐसे लंबाई में और दूसरी पट्टी का विड्थ वाइज, आप देख रहे होंगे आपको केबल ये नज़र आ रही होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बंद अपने अपने हिसाब से कीजिएगा जैसे आप करते हैं। ये लिया ऐसे, फिर यहां से अब अपने अपने हिसाब से कीजिएगा बंद, जैसे जिसको बंद करने का तरीका है। ये देखिए इसे आप खींचेंगे तो इस तरीके से ये बंद हो जाएगा ऐसे। अब सारी ये जो यहाँ से ये जो है विड्थ वाइज इसकी, यहाँ तक हमें इसको इसके साथ बंद करना है। अब ये देखिए लास्ट पे आ गई हूँ मैं, इस तरीके से इसको अच्छे से खींच देंगे थोड़ा सा ताकि ये जो है ढंग से बंद हो जाए। आप देखिएगा किस तरीके से ये बंद किया है मैंने, यहाँ पे अच्छे से टक कर लीजिएगा इसके साथ।
तो ये देखिएगा, एक साइड तो इस तरीके से बंद हो गया। अब दिखाती हूँ आपको दूसरा साइड, ये देखिएगा ये ऐसे बंद हो गया। यानी कि आपने जो एक लंबी पट्टी है उसको दूसरी की विड्थ के साथ बंद किया, जहाँ से हमने शुरू किया था। अब ये ऐसे बंद हुआ, देखिए ये। अब दूसरी पट्टी कैसे बंद करेंगे आप, ये लिया आपने, ये ऐसे अभी आपका। अब जो जहाँ पे आपने ये जो विड्थ वाइज बंद की थी उस पट्टी का लेंथ लेंगे, ये देखिए। अब इसको मैं फ़िलहाल ऐसे कर देती हूँ, आपने क्योंकि डबल किया इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, अब जिस पट्टी जो पहली वाली पट्टी थी उसके लेंथ नापा था, अब उसको हमने विड्थ में बंद करना है। और जिसमें स्टार्टिंग में हमने विड्थ लिया था यहाँ से बंद करने के लिए, उसको हम ये इस तरीके से। अब दूसरा साइड, ये लेंथ लिया आपने और ये विड्थ, अब इस तरीके से इसे भी बंद करना है। जैसे हमने वो बंद किया वैसे हमें इसे भी बंद, बंद करने का तरीका वही है जैसे पहले बताया आपको मैंने, चाहे आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ये जहाँ पे हमने फंदे बंद किए थे वो, और नेक्स्ट पट्टी का जहाँ हमने फंदे डाले थे वो, इस तरीके से लेंगे आप। आप चाहे तो इसमें जो है कुछ भी आप अपने हिसाब से, बच्चे के हिसाब से इस तरीके से फ्रंट में ऐसे लगा सकते हैं, कुछ भी आप जो मर्जी है, कोई बटन लगा लीजिएगा, कोई फूल इस तरीके से आता है वो लगा लीजिएगा, आप कुछ भी इसमें डेकोरेट कर लीजिएगा। अब रही बात नीचे की, तो देखिए नीचे आप लेस भी लगा सकते हैं, इसमें बाज़ार में लेस अवेलेबल हो जाती है। अब देखिएगा इस तरीके की लेस है, ये देखिए ऐसे लेस है, आपके मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे ऐसे करके भी इसे लेस लगा सकते हैं, इस तरीके से वी शेप में आगे भी पीछे भी लेस लगा सकते हैं। अब अगर लेस ना लगानी हो जैसे किसी को, तो आप धागा लीजिएगा, उसको चार फोल्ड ऐसे कीजिएगा, जैसे लंबे हम चार फोल्ड करते हैं उसे कीजिएगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे आप इसे, ऐसे काटेंगे, पहले भी वैसे बता चुकी हूँ, बराबर बराबर लीजिएगा इनको, देखिए ये ऐसे, ये आपने इस तरीके से लिया, डबल किया, अगेन ऐसे किया और ऐसे, ये देखिए। अब ये जो पोर्शन है आपने करोशे की सहायता से यहाँ से लेकर इस तरीके से डालना है, तो हम यहाँ से लेंगे, ये आप अपने हिसाब से देखिए कुछ भी लगा सकते हैं, ये लेंगे ऐसे करेंगे, इसमें से निकाला आपने इस तरीके से, और अब जो ये पोर्शन है ऐसे निकाल के इसे खींच देंगे, ये देखिए ये ऐसे आया, देखिए। तो ये आप जितना लंबा चाहे लंबा रखे, छोटा चाहे छोटा रखे, ऐसे ही आप इस तरीके से गैप गैप में थोड़ा सा जो है इस तरीके का लगा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से इसमें जो भी डेकोरेशन करनी है कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है ये आपका पोंचू बहुत ईजीएस्ट वे में, जस्ट दो पट्टी बनाई है मैंने और सिलने का तरीका अलग है, तो आपका ये पोंचू जो है तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।